At least two people were killed in East Delhi after a part of Ghazipur garbage landfill collapsed, pushing several people on the road nearby to be swept into a canal. The victims were identified as a 30-year-old Rajkumari and a 20-year-old Abhishek. Five people have been rescued and rescue teams continue to search the train for possible victims and survivors. ड्रेन में आकर के गिरा है और ड्रेन में चूंकि बहाव रुक गया, वो सारा पानी का बहाव सड़क पर आया. सड़क पर जो पेडेस्ट्रियन या टू व्हीलर्स और एक टैक्सी भी निकली है गाड़ी में जिसको निकाला गया है, वो सब इस तेज पानी के बहाव से इस हिंडन कैनाल के अंदर गिर गए, जिसमें से एक बच्ची और एक मेल की डेड बॉडी मिली है. चार लोगों को लाइव निकाला गया. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल विजिटेड द साइट एंड ब्लेम द बीजेपी फॉर द मेस. कुछ लोग बता रहे हैं कि नाले के अंदर डूब के मर गए हैं. कुछ बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, एनडीआरएफ की टीम्स आ चुकी हैं और उधर कूड़े के अंदर भी ऐसी आशंका है कि कुछ लोग हो सकते हैं. उसके लिए भी एक लाइव डिटेक्टिंग मशीन अभी मंगवा रहे हैं और देखेंगे कि वहां पे अगर कोई होगा तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे.